तो इनसे जानकारी लेंगे। हाँ जी भैया जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सुभाष चंद है और मैं निचिनो कंपनी की तरफ से आज जो है हम लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया है जी। और यहाँ पे जितने भी किसान भाई आए हैं उन्हें हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है और गन्ने में लगने वाले रोग कीट उनके बारे में जानकारी दी है जी। तो अगर मैं निचिनो की बात करूँ, ये जापान की कंपनी है जी। 1928 में कंपनी ने जापान से शुरुआत की जी। और अभी तक दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में कंपनी काम कर रही है जी। लगभग 95 साल कंपनी को काम करते करते हो गए जी। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में हमने 2015 से स्टार्ट किया है जी। और आज की डेट में जो है भारत के अंदर बहुत अच्छा कंपनी का अपना बिजनेस है और प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जी। जिन किसानों ने इस्तेमाल किया है उन किसानों से भी अगर आप मिलेंगे तो वो क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे कि किस तरीके से है। तो आज नहीं सुनो, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, कंपनियां कई आ रही हैं लेकिन किसान भाई इस असमंजस में है क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे ऐसे आ रहे हैं, किसान भाइयों ने सब दवाइयां लगा ली एक नहीं लेकिन सब दवाइयां फेल हो रही हैं, ऐसे ऐसे रोग खतरनाक आ रहे हैं, तो उन बारे में बताओ। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बताई है कि भाई किसान भी परेशान है क्योंकि वो हर बार जहां भी जाएगा उसे एक नई दवाई के बारे में पता चलेगा जी। तो उसमें क्या है, अभी क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि गन्ने के अंदर बहुत से कीट, बहुत सी बीमारी, मतलब इतना पहले नहीं होता था जितना अब हो रहा है। तो एक बार अगर मैं गन्ने के रोग की बात करूं तो ज्यादातर जो रेड रोट, जिसे गन्ने का कैंसर रोग बोला गया, जी हाँ जी, तो किसान उससे बहुत ज्यादा परेशान है। अगर दूसरे में कीटों की बात करूं तो जो गन्ने के अंदर बोरर्स हैं, बोरर्स की सही तरीके से रोकथाम नहीं हो पा रही, उसके कुछ कारण भी हैं जी। उसके कुछ कारण मेरी तरफ से तो यही है कि पहली बात तो किसान को अच्छी क्वालिटी की दवाई उपलब्ध नहीं होने का भी एक कारण है। सही बात। वो बाजार के अंदर जाता है तो बाजार में तरह तरह की दवाई है, वो कंफ्यूज है कि मैं क्या डाल लूं। ठीक है, तो सबसे पहले किसान को जानकारी करनी पड़ेगी कि कौन कंपनी की दवाई अच्छी है, क्या क्वालिटी है उसकी, बाजार में उसकी क्या रेपो है जी। दूसरा, उसे बीमारी को समझना पड़ेगा, उसके समय को समझना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसान अच्छी दवाई का इस्तेमाल कर रहा लेकिन वो समय से देरी से कर रहा जी, तो वहाँ पे उसे उसका अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। तो जैसे अभी गन्ने की बुआई चल रही है तो हमारी तरफ से दो दवाइयाँ हैं हमारी जी। जैसे ये मेलविन दवाई है, ये मेलविन दवाई का पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से शुगर मिलों ने ये मेलविन दवाई किसानों को उपलब्ध कराई है जी। और अगर उसके रेस्पॉन्स की बात करें, जैसे पिछले साल की मैं बात करूँ तो ये धनोरा चीनी मिल, जिसके माध्यम से आज ये किसान मेला यहाँ पर हुआ है जी, तो कुछ क्वांटिटी में हमारी ये दवाई वहाँ पर आई थी जी। इसका रिजल्ट देखने के बावजूद इस बार अभी भी ये हमारी दवाई जितना भी वेव इंडस्ट्रीज की 3-4 फैक्ट्रियों के अंदर ये दवाई आ चुकी है किसानों के लिए, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कब लगानी चाहिए साहब ये? हम बीज अभी जो है बुआई के समय बीज उपचार के लिए इस्तेमाल करा रहे हैं जी। तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो है इसका जो है बीज उपचार है। बीज उपचार का देखो, अगर सही तरीके की मैं बात करूं तो वो तो डिप से अच्छा, तो उपचार डिप माध्यम से ही होगा। सही बात है। लेकिन क्या है कि किसान अभी उतना नहीं कर पा रहे, लेबर की समस्या है उसके पास, समय की समस्या है, तो उसके लिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि कोशिश करें कि अगर डिप से हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, और अगर डिप से नहीं हो पा रहा जी तो फिर आप इसे पानी के साथ घोल बना के जी, जैसे गन्ना हम लाइन में डालते जा रहे हैं तो गन्ने को बहुत अच्छे से उसे भिगोना है, नोजल थोड़ा लूज कर लो या उसे पूरा खोल लो, जिससे गन्ना पूरी तरीके से दवाई से शोधित हो जाए और उसके आसपास की मिट्टी भी हो जाए। इसके साथ में यदि जमीनी कीड़ों की समस्या है किसान को तो जमीनी कीड़ों के लिए भी हमारे पास, वैसे ये काम मेन तौर पर किस चीज़, ये मेन जो है रेड रूट की रोकथाम के लिए, बाकी तो फंजीसाइड है बहुत से, मतलब जो फंगस हमारी जमीन में है काफी हद तक उसे गन्ने के जमाऊ में अच्छा देगा और उन्हें रोक कर रखेगा। अच्छा। दूसरा, अगर जमीनी कीड़ों की हम बात करें तो जैसे कुछ एरिया में दीमक का प्रकोप है जी, तो दीमक के लिए आप इन दोनों दवाइयों को मिला के भी बीज शोधित कर सकते हैं, उससे अच्छा। आपका सीड भी शोधित हो जाएगा और आसपास की बुआई में ये दोनों चीज लगा सकते हैं। ये दोनों चीज लगा सकते हैं। ये 500 ml पर एकड़ जाएगी, कोमा है जी, और इसके अंदर बाइफेंथ्रिन टेक्निकल है जी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जैसे ही किसान का अब आगे गन्ना जम के आएगा, जमने के बाद जैसे अप्रैल का महीना आएगा तो वहाँ पे बोरर्स की समस्या आनी शुरू हो जाएगी जी, जी। तो बोरर्स के लिए हमारी कंपनी ये CTPR क्लोर एंट्रा नीली प्रोल 88 के नाम से लेकर आई है जी, जो जैपनीज टेक्नोलॉजी के साथ बाजार में आएगा जी, और ये भी मार्केट में किसानों को उपलब्ध रहेगा। इसका कुछ हम डेमो भी करा रहे हैं किसानों को, तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे अभी अक्टूबर की बुआई है उसमें किसानों को डेमो करा के हम इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे जी। और मात्रा किसकी है, इसकी मात्रा 150 ml दवाई 400 लीटर पानी के साथ। अच्छा,
ये गन्ने के में ड्रेंच हमें करानी है। देखो कुछ किसान ऐसा करते हैं कि कोई रेत में मिला के डाल रहा, कोई यूरिया में मिला के डाल रहा, तो मेरी तरफ से तो सभी किसान भाइयों को यही सलाह है कि अगर आप हमारे अरासी के साथ जाना चाह रहे हैं तो फिर जो डालने का सही तरीका है उसी तरीके से आप इसे इस्तेमाल करें। 400 लीटर पानी लगभग जो है, जो पीठ वाली मशीन है वो 25-26 मशीन एक एकड़ में इस्तेमाल करनी है। आगे ये पूरा जो है 90 दिन तक जो भी बोरर से अर्ली शूट बोरर है, टॉप बोरर है, तो उनको ये उनकी रोकथाम करेगा। अच्छा, CTPR पिछले साल काफी किसानों ने लगाई, कई साल से लगा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से CTPR से बोरर नहीं रुक रहे, क्या समस्या? देखो, जो मैंने पहली बात आपको बताई थी CTPR, पहली बात तो CTPR बाजार में बहुत हर तरह की कंपनी लेकर आ रही है। अब उसके ऊपर भी फिर देखना है हमें कि भाई हम कौन सी कंपनी का क्या क्वालिटी हम यूज कर रहे हैं, पहला तरीका। दूसरा, डालने का तरीका। आप कहीं किसानों से, बहुत किसानों से मिलेंगे, बहुत किसान आपको ऐसे होंगे कि जी हमने तो यूरिया के साथ मिला के डाल दिया या हमने पानी के साथ ड्रॉप कर करके छोड़ दिया, तो उस तरीके से ये काम नहीं करेगा। आज की डेट में भी मैं यही कहूंगा कि अभी CTPR से अच्छा प्रोडक्ट किसान के लिए, अच्छा टेक्निकल किसान के लिए अभी बाजार में नहीं है जो ये बोरर्स पे अच्छा काम करे। मेरे सभी किसान भाइयों को यही सलाह है कि वो सही तरीके से जो कंपनी का रिकमेंडेशन है उसी तरीके से इस्तेमाल करे। जैसे मैंने बताया कि हमारा अराशी है, आप 150 ml 400 लीटर पानी के साथ जिस तरीके से मैंने बताया ड्रेंच करना है, सूखे खेत में डालना है और 24 घंटे के अंदर अंदर खेत की सिंचाई करनी है। उस तरीके से किसान अगर इस्तेमाल करेगा तो मैं मानता हूं कि उसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसमें कुछ पानी का भी रोल है क्या, जैसे कि सिंचाई टाइम टू टाइम करनी चाहिए ऐसा लगाने के बाद? पानी का ये रोल है, देखो दवाई हमने जमीन पर डाली है, अगर गैप आएगा ज्यादा, मतलब खेत सूखा रहेगा, तो हो सकता है कि वहां पर बोरर्स नुकसान करना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही हम पानी देंगे तो दवाई वहां पे एक्टिव हो जाएगी और वो नुकसान वहीं पे उसका रुक जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसान ने दवाई भी डाल ली लेकिन कुछ समस्या आ गई उसके पास, भाई लाइट की समस्या है या क्या समस्या है, वो पानी नहीं लगा पाया, तो हो सकता है कि CTPR डालने के बाद भी उसे कहीं कहीं फिर जो है बोरर्स का नुकसान दिखाई देगा। तो खेत में बराबर नमी बना के रखें और अच्छे तरीके से किसान अगर इस्तेमाल करेगा तो 100% उसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी ठीक है भाई, धन्यवाद, नमस्कार।